बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको आलू गोश्त की रेसिपी बता रही हूँ, जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं ये प्याज लिए मैंने दो बड़े साइज़ के, ये तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा गोश्त है, दो टेबलस्पून अदरक लहसुन, ये कश्मीरी मिर्च है एक टीस्पून, नमक टू टेस्ट, ये ज़ीरा कुटा हुआ एक टेबलस्पून, ये सूखा धनिया एक टेबलस्पून, लाल मिर्च एक टेबलस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून। आई मैं अब इसका बनाने का तरीका बता रही हूँ। ये मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं ये गोश्त डालूँगी, ये चूल्हा में जला लेती हूँ, ये इसमें प्याज प्याज जाएगा और अदरक लहसुन, सूखा धनिया एक टेबल स्पून, धनिया ज़ीरा कुटा हुआ एक टेबल स्पून, लाल मिर्च एक टेबल स्पून, हल्दी एक टी स्पून हाफ टी स्पून, ये कश्मीरी मिर्च एक टी स्पून और नमक मैंने डेढ़ टी स्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें और बाद में भी चेक कर सकते हैं। अब इसमें मैं ये पानी डालूँगी और इसे मिक्स करके रख दूंगी, जब इसमें एक बॉयल आएगा तो इसे हल्की आंच पे रख दूंगी और फिर गोश्त जब हाफ डन होगा तो उसके बाद अगली मैं इसको स्टेप बताऊंगी। ये बहुत इजी और अच्छी रेसिपी आलू गोश्त की और थोड़ी डिफरेंट भी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इसमें बॉयल आ गया, इसे अब मैं ढक के हल्की आंच पे उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक गोश्त गल जाएगा, थोड़ा सा जब ये रह जाएगा तो फिर मैं इसमें आलू डाल दूँगी, टमाटर डालूँगी और फिर इसमें अच्छी तरह से भून लूँगी। आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं, इसी तरह यही रेसिपी है, अगर आपको जल्दी है, लेकिन ये कढ़ाई में ज़रा अच्छी बनेगी, आप इसे यही रेसिपी के साथ इसे आप कुकर में भी बना सकते हैं। ये अब मेरा गोश्त गल गया, तकरीबन गल गया और ये पानी भी थोड़ा रह गया, अब स्टेज पे मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी, ये तकरीबन 7-5-6 टमाटर हैं मेरे, और इसमें मैं ये ऑयल हाफ कप ऑयल डालूँगी, ऑयल मैंने पहले नहीं डाला था तो तकरीबन हाफ कप मैं इसमें ऑयल डालूँगी, और फिर इसे हम पकाएँगे जब तक ये पानी बिल्कुल खुश्क हो जाता है और फिर इसे इसमें आलू डाल के फिर उसे भूनना है। तो पानी आप अंदाजे से उतना ही डालें जिससे गोश्त गल जाए, क्योंकि अक्सर गोश्त ज़्यादा गल जाता है और फिर इसकी बुनाई रह जाती है। तो अब मैं इसको अब तेज़ आंच पे पकाऊंगी ताकि गोश्त, क्योंकि मेरा गल गया, ताकि ये पानी खुश्क हो जाए। ये मेरा पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, देखें आप ऑयल ऊपर आ गया, अब इस स्टेज पर मैं इसमें आलू ऐड करूँगी और फिर इसको अच्छी तरह से भूनूँगी आलूओं के साथ इसे, और फिर इसमें पानी डाल के इसको उस वक्त तक रखूँगी जब तक कि आलू गल जाते। ये रेसिपी थोड़ी लेंथी है, आप इसे अगर कुकर में बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगी, लेकिन शायद वो टेस्ट ना आए जिस तरह के आप इसे कढ़ाई में बनाएंगे या हल्की आंच पे, तो वो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, इसलिए आप पे डिपेंड करता है, अगर टाइम है तो उसे आप कढ़ाई में बनाएं। इसमें आप थोड़ा सा भून के तो इसे मैं पानी डाल के रखूँगी ताकि आलू गल जाए, और फिर हमारी मज़ेदार आलू गोश्त रेडी हो जाएंगे। ये मैंने इसे आलूओं के साथ भून लिया है, ये देखें ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गए, अच्छी तरह से ये भून गए और काफ़ी अच्छी मेरे ये इसका भी कलर आ गया। अब मैं इसमें पानी डाल के इसको रख दूंगी ताकि आलू गल जाए, और आलूओं के गलने तक इसे मैं पकाऊंगी। अभी मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। ये अब मेरा ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गया, ये देखिए सही अच्छा सा ये भुन गया। अब इसमें मैं ये पानी डाल दूंगी, तकरीबन 1-1.5 कप पानी डालूंगी,
ताकि ये फिर आलू इसमें इसी में गल जाए और इसी में मेरी ग्रेवी हो जाए। आप अपने हिसाब से इसमें ग्रेवी रख सकते हैं कम या ज़्यादा। वैसे आलू गोश्त की ग्रेवी थोड़ा पतला पतली होती है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे गन्ना खाना पसंद करते हैं या आलू को। अब मैं इसको हल्की आँच पे रख दूँगी जब तक कि आलू गल जाए इसके। ये आलू गोश्त मेरा रेडी हो गया। ये देखें ग्रेवी आप अपने अंदाजे से रख लें। मैंने ज़्यादा इसमें पानी नहीं डाला क्योंकि मुझे इतनी चाहिए। अब इसे आपको डिश में निकाल के सर्व करके बताऊंगी। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। ये रेडी हो गई है मेरी डिश। देखें ये कितना अच्छा इसका कलर है। इस पर मैंने धनिया काट के डाल दिया है। इसे आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।